बीजेपी के लोग और इनकी सरकार में किसी की भी हत्या हो जाएगी ये परवाह नहीं करेंगे। हाँ जी सर, सेल्फ डिफेंस हमारी मैंने। वो बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए उसका एनकाउंटर करने जा रहा था, क्या आपको नहीं पता ये बातें? परिवार तो इस समय बहुत दुखी है। कितना बड़ा सवाल खड़ा हुआ है पुलिस के ऊपर और उसकी जिम्मेदार सरकार है। आपराधिक मानसिकता वाले लोग हैं, पूरे विभाग को तो कलंकित किया ही, हमारी सरकार पर भी एक धप्पा उन्होंने लगाया है। लोकतंत्र में सजा एक ही है कि सरकार हटे। हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हम इस मामले में किसी भी लिपापोती करने वाले अफसर को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। मैं जैसे ही खड़ा होकर मैंने कहा भैया रुक जाओ, डराने के लिए मैंने पिस्टल निकाली। जिस जगह पर अखिलेश यादव बैठे हैं यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री को होना चाहिए था। परिवार के साथ जितनी संवेदना अखिलेश यादव दिखा रहे हैं वो संवेदना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखानी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर से कुछ ही दूर पर अपनी ही पुलिस के हाथों मार दिए गए विवेक तिवारी के परिवार से मिलने नहीं गए। बहुत हो हल्ला हुआ, मीडिया ने आसमान सिर पर उठा लिया, तब कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, घटना की जांच होगी, आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई को भी हम इस मामले को देंगे चांस। मामले के तीसरे दिन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा विवेक की बेवा कल्पना को लेकर उनके आवास पर पहुंचे, तब मुलाकात की। देखिए, लग ही नहीं रहा कि प्रदेश के राजा को किसी तरह का कोई दुख है। खैर, भीतर खाने खबर ये है कि दिनेश शर्मा यूपी के कई बार मेयर रह चुके हैं, लखनऊ उनका अपना है, बिरादरी की हत्या हुई थी, भीतर खाने विरोध होने लगा था कि ब्राह्मणों की सुनवाई उनकी अपनी सरकार में नहीं हो रही। फिर दिनेश शर्मा ने पहल की, 25 लाख मुआवजा दिलाया, बेटियों के नाम पर 5-5 लाख का डिपॉजिट कराया और सरकारी नौकरी दिलाई, घर का वादा किया। कहते हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सबके सुख दुख में शामिल होते हैं, लेकिन लखनऊ में ये देखने को नहीं मिला। एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की लखनऊ के गोमती नगर में गाड़ी न रोकने की मामूली सी बात पर सिपाही प्रशांत ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और फिर पुलिस एनकाउंटर का रंग देने की कोशिश की, उसके बाद मीडिया सामने आई और भेद खुल गया। योगी सरकार के पुलिस वालों का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया और हैरानी की बात यह है कि अब तक केवल आरोपी के अलावा किसी और के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना तो कोई बड़ा अधिकारी लाइन हाजिर हुआ, ना तो किसी का ट्रांसफर किया गया। सरकार के लोग बता सकते हैं कि आखिरकार नजरबंद क्यों किया गया है? सर, क्या दो ही पुलिसकर्मी दोषी थे, बाकी और कोई दोषी नहीं थे इस पूरे मामले को लेकर? जो जो इस बात को छिपा रहे हैं वो भी दोषी उतने ही हैं जितने घटना करने वाले दोषी हैं। सर, आप परिवार के लोग कहते हैं कि उन्हें सच ही नहीं पता लगा, सच तो बाद में पता लगा जब गोली देखी उन्होंने। सर, आप सनत मिलने की कोशिश करेंगे? सर, उसे नजरबंद किया गया है। मैं समझता हूँ जनता सच्चाई जानना चाहती है और कम से कम सरकार की जिम्मेदारी की सच्चाई सामने आए। परिवार की मदद हो, मैंने